अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर क्लास। थर्ड ईयर टॉपिक हमारा चल रहा है सेफ्टी एजुकेशन, और आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स सेफ्टी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स सेफ्टी। देखिए, खेल में चोट का लगना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। मुख्तलिफ खेलों में खिलाड़ियों को चोटें लग जाती हैं, जो कि बाज़ औक़ात कलील मुद्दत और बाज़ औक़ात तवील मुद्दत तक खिलाड़ी को खेल से दूर रखने का बायस बन जाती हैं। बहुत से खिलाड़ी तवील मुद्दत तक खेलों से सिर्फ इंजरीज की बिना पर दूर हो जाते हैं। इसलिए जहाँ पर खेल अहम है, इसी तरह खिलाड़ी भी खेलों के लिए नहायत अहम है। खिलाड़ी ग्राउंड में खेलता हुआ ही खूबसूरत लगता है। खिलाड़ी को खेलों में शामिल रखने के लिए ज़रूरी है कि वो चोटों से महफूज रहे, और उसके लिए हिफाजती तदाबीर का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। इसलिए खेलों में हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करके ना सिर्फ बहुत से हादसा से बचाया जा सकता है, बल्कि बेहतर से बेहतर नतायज भी हासिल किए जा सकते हैं। अमूमी हिफाजती तदाबीर है स्पोर्ट्स सेफ्टी की। इससे मुराद वो तदाबीर है कि बज़ाहिर जिनको कोई अहमियत नहीं होती, मगर इनको इख्तियार कर लिया जाए तो ना सिर्फ परफॉर्मेंस का ग्राफ बुलंद हो जाता है, बल्कि खिलाड़ी किसी भी किस्म की चोट के ख़तरे से भी महफूज हो जाता है। देखिए, अमूमी हिफाजती तदाबीर की तफसील मंदरजा ज़ैल है। खेलने की जगह का इंतखाब, ग्राउंड का महलिफ को, मौसमी हालात, खिलाड़ी की जिस्मानी अहलियत, खेल का सामान, हिफाजती सामान का इस्तेमाल, लिबास का इंतखाब, जिस्म को गर्माना, खिलाड़ी का जहनी तौर पर तैयार होना, महारत पर अबूर हासिल होना। तो बच्चे, स्पोर्ट्स सेफ्टी में खेलने की जगह का इंतखाब कैसे करना है? देखिए, खेलने की जगह बिल्कुल साफ और हमवार हो। जिस जगह आपको इवेंट करा रही हैं, वो जगह बिल्कुल प्लेन और साफ सुथरी हो। इसमें पत्थर, गंदगी के ढेर, शीशे की गिरचियाँ, कील, खारदार जाड़ियाँ, ग्राउंड में या इसके बाहर के नज़दीकी इलाकों में के करीब ना हो। सतह बिल्कुल हमवार हो, किसी किस्म के गड़े या डहलवान ना हो, जिससे मोच आए या फिसलने का कोई खदशा हो, और ग्राउंड के अंदर ऐसी कोई रुकावट ना हो जो खेल या खिलाड़ी को नुकसान पहुंचा सके, मसलन लाइट पोल्स या चबूतरा नमा कोई जगह वगैरह। नेक्स्ट बच्चों, ग्राउंड का महलिक को कोशिश की जाए कि खेलने के लिए ग्राउंड खुली जगह और शहर से बाहर हो। शहराए आम पर ग्राउंड ना हो, और ना ही ग्राउंड के अंदर कोई गुजरगाह हो। फैक्ट्रियों, कारखानों और सनती एरिया से दूर होता कि खिलाड़ी धुआं, गर्दोगबार और शोर से महफूज रह सके, और ग्राउंड की सिमत का भी ख्याल रखा जाए ताकि तुलू और गरूब आफ्ताब खेल पर असरअंदाज ना हो सके। नेक्स्ट रूल से मौसमी हालात है कि खेल के लिए मुनासिब मौसमी हालात को मद्देनजर रखा जाए। मसलन शदीद सर्दी, शदीद गर्मी, बारिश, तेज़ हवा, बिजली की चमक वगैरह खिलाड़ियों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। धुंध और दीगर मौसमी अवामल भी चोट का सबब हो सकती हैं, इसलिए मुनासिब रोशनी और दीगर जो है दर्ज बाला अवामल का खास ख्याल रखा जाए। हालात के नॉर्मल होने तक खेल को मुलतवी रखा जाए। नेक्स्ट बच्चा है खिलाड़ी की जिस्मानी अहलियत। किसी भी खिलाड़ी की उम्र, जीन्स और जिस्मानी अहलियत खेलों की हिफाजती तदाबीर के हवाले से मुसलमा अहमियत की हामिल है। किसी भी खेल में शरीक खिलाड़ी की जिस्मानी अहलियत को मद्देनजर रखा जाए कि आया कि वो इस खेल को खेलने की सलाहियत और अहलियत भी रखता है या इन्हें या नहीं। मसलन एक कमज़ोर और हनीफ खिलाड़ी को हैमर या गोला फेंकने को कहेंगे तो इसके लिए ये मुमकिन ना होगा और वो चोट लगवा बैठेगा। इसलिए किसी भी एक खेल में खिलाड़ी की जिस्मानी अहलियत को मद्देनजर रखना चाहिए। इस तरह भी चोट के अमकान को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चा, खेल का सामान। देखिए, खेल के दौरान खेल के सामान का दुरुस्त हालत में होना बहुत ज़रूरी है। मसलन टूटे हुए क्रिकेट बैट, हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस रैकेट, जिमनास्टिक के सामान वगैरह चोट लगने का बायस हो सकते हैं। इसलिए खेल शुरू होने से पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह चेक कर लिया जाए तो हादसे के इम्कान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हिफाजती सामान का इस्तेमाल, देखिए बाज़ औक़ात खिलाड़ी हिफाजती सामान के इस्तेमाल को तोहीन समझते हैं। उनके दौरान खेल नहायत ज़रूरी है। कोचिस, मैनेजर्स और इंतजामिया का फ़र्ज है कि खिलाड़ियों को ऐसे हिफाजती सामान की अफादियत बताएँ
और उनको हिफाजती सामान इस्तेमाल करने पर मजबूर करे ताकि हादसा से बचा जा सके। नेक्स्ट बच्चों है लिबास का इंतखाब। देखिए खिलाड़ी का लिबास हिफाजती नुक्ता नजर से अहम है। खिलाड़ी का लिबास ज्यादा तंग ना हो ना ज्यादा खुला हो ताकि हरकत अंजाम देने में मुश्किल ना हो। लिबास मौसम और हालात के मुताबिक मुनासिब हो, हवादार हो ताकि पसीना खारिज हो सके। कपड़ा नरम और लचकदार होता कि जिसम से रगड़ ना खाए। वार्म अप और मैच के लिए अलग-अलग लिबास इस्तेमाल किए जाएं तो ज्यादा मुनासिब है। जिसम को गर्माना है किसी भी खेल को शुरू करने के लिए जिसम का पहले गर्माना वार्म अप नहायत जरूरी है क्योंकि वार्म अप से ही जिसम की काम करने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। ऑक्सीजन की खून में शमूलियत बढ़ जाती है, खून जिस्म के गहरे हिस्सों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। इस तरह खिलाड़ी को किसी किस्म की इजाफी ताकत लगाने की जरूरत नहीं रहती, चोट लगने का इम्कान कम हो जाता है। खिलाड़ी का जहनी तौर पर तैयार होना। देखिए किसी भी खेल में शिरकत के लिए खिलाड़ी का जहनी तौर पर आमादा होना नहायत ज़रूरी है क्योंकि अगर खिलाड़ी किसी खेल में शिरकत पर आमादा नहीं है तो फिर वो मुखालिफ की सलाहियत से खौफ सदा रहेगा तो तवज्जो खेल से हट जाएगी या फिर इसकी तवज्जो दूसरे अवामल पर ज्यादा होगी तो फिर वो मुखालिफ की सलाहियत से खौफजदा रहेगा। किसी भी मामूली गलती की सूरत में खुद को चोट लगवा सकते हैं। महारत पर अबूर हासिल करना। किसी भी खेल को खेलने के लिए इसकी मुतलका महारतों पर अबूर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह खेल के इंतखाब के वक्त महारतों और जिस्मानी अहलियत दोनों को मद्देनजर रखा जाता है क्योंकि महारतों पर अबूर ना होना भी चोट का सबब बन सकता है और महारतों का अदम इस्तेमाल भी हादसे की वजह हो सकता है। इसलिए मुतलका खेल में खिलाड़ी को महारत हासिल होना चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके और चोट से महफूज रहे।